इसी साल की 12-13 फरवरी को बेंगलुरु में आईपीएल 2022 के लिए ऑक्शन टेबल लगी। कई खिलाड़ी खरीदे और बेचे गए, कई खिलाड़ी ऐसे भी रहे जिन्हें किसी ने नहीं खरीदा। जो खिलाड़ी उस दिन नहीं खरीदे गए उनमें से ज़्यादातर आज कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी खैर खबर बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन उस टेबल से बिना बोली लगे लौटा एक खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में अपना नाम अमर कर गया है। बात हो रही है आरसीबी के आईपीएल 2022 कैंपेन के स्टार रजत पाटीदार की। वो पाटीदार जिन्हें बीते अप्रैल में आरसीबी ने लवनीत सिसोदिया के रिप्लेसमेंट के रूप में 20 लाख रुपए में अपने कैंप में शामिल किया। बुधवार 25 मई को हुए आईपीएल 2022 के एलिमिनेटर मुकाबले में रजत पाटीदार ने महज 54 गेंदों पर 112 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत आरसीबी ने बोर्ड पर 207 रन लगाए और बाद में लखनऊ की टीम इस टारगेट को चेस करने से 14 रन से पीछे रह गई, जिसकी मदद से आरसीबी की टीम क्वालिफायर 2 में पहुंच गई है और अब वो ट्रॉफी से महज 2 कदम दूर है। लेकिन रजत पाटीदार है कौन? रजत पाटीदार कैसे आरसीबी के कैंपेन का इतना ज़रूरी हिस्सा बन गए? आइए जानते हैं रजत पाटीदार की स्टोरी, मध्य प्रदेश के डिपेंडेबल बल्लेबाज रजत पाटीदार की कहानी। इंदौर को वैसे भी क्रिकेट की ज़मीन कहा जाता है, यहाँ से भारत को बहुत सारे स्टार क्रिकेटर्स मिले, लेकिन रजत पाटीदार ना मिलते अगर वो अपने परिवार के बिजनेस को संभालने में लग जाते। बचपन में ही रजत का खेल देख दादाजी ने उन्हें अकेडमी भेजने का फैसला ले लिया। रजत को मज़ा आने लगा और परिवार ने भी उन्हें सपोर्ट करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन क्रिकेट में अपनी पहचान बनाने से पहले रजत की जो लाइफ है वो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स से गुजरती रही। पहले फास्ट बॉलर बनने का ख्वाब देखा, फिर स्पिन गेंदबाजी की तरफ रुख किया और आखिरकार एक बल्लेबाज बनकर कामयाबी की राह पकड़ी। शुरुआत से तेज गेंदबाज बनने का ख्वाब पाले चल रहे रजत को 18 साल की उम्र तक एज ग्रुप क्रिकेट में मौका नहीं मिला। इस दौरान उन्होंने तय कर लिया कि वो किसी और तरह से अब अपनी पहचान बनाकर रहेंगे। इसके बाद वो एक ऑफ स्पिनर बनने की तरफ बढ़ चले। उन्हें लगता भी था कि शायद एक स्पिनर के तौर पर ही वो टीम में पहुंचेंगे, लेकिन इसके बाद फुटबॉल मैदान की एक चोट उनके लिए वरदान बनकर आ गई। रजत को बचपन से फुटबॉल काफ़ी पसंद था, जिसकी वजह से साल 2014 में उन्हें दाएं घुटने में चोट लगी। इस चोट के बाद उनकी सर्जरी हुई और वो खेल से लगभग 8 महीने तक दूर रहे। इस बीच पाटीदार के घर वालों ने उन पर दबाव बनाया कि भैया अपनी डिग्री पूरी करो और परिवार के जमे जमाए बिजनेस में अपना हाथ साफ कर लो। लेकिन उन्होंने चेतेश्वर पुजारा से प्रेरणा ली, जिनके दोनों घुटनों की सर्जरी हुई थी, और उन्होंने इसके बाद भी वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी बड़ी पहचान बनाई। उन्होंने यही बात अपने परिवार को भी समझाई और पुजारा की दोनों घुटनों की सर्जरी वाली कहानी अपने परिवार को समझाई और कहा कि मैं भी खेल सकता हूँ, जब पुजारा ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बस इसके बाद उनका क्रिकेटिंग करियर एक नई दिशा लेने लगा। कुछ उनकी लगन और कुछ पूर्व भारतीय बल्लेबाज अमेक रसिया का सपोर्ट, जिन्होंने उनके साथ काम किया और वो एक बेहतर बल्लेबाज बनकर अपनी पहचान बनाने निकल पड़े। सर्जरी होने के 18 महीने बाद पाटीदार ने मध्य प्रदेश टीम के लिए बतौर टॉप ऑर्डर बल्लेबाज अपना डेब्यू किया। रणजी में बड़ौदा के खिलाफ उस मैच की पहली पारी में पाटीदार ने 60 और दूसरी पारी में एक शानदार शतक भी लगाया। इसके बाद पाटीदार ने डोमेस्टिक क्रिकेट में पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें मध्य प्रदेश की टीम में जगह मिली और वो लगातार डोमेस्टिक में अच्छा करते रहे और मध्य प्रदेश टीम के डिपेंडेबल बनकर नजर आए। 5 साल तक अपनी स्टेट टीम के लिए बेहतरीन क्रिकेट खेलने के बाद उन्हें आईपीएल ट्रायल्स के लिए बुलाया गया। सबसे पहले इस खिलाड़ी को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2020-21 के बाद केकेआर ने मुंबई में अपने कैंप में बुलाया। उस साल सैयद मुश्ताक अली में इस बल्लेबाज ने 153.47 के कमाल के स्ट्राइक रेट से 221 रन बनाए थे, लेकिन ट्रायल्स के बाद उन्हें केकेआर की जगह आरसीबी की टीम ने वेस्ट प्राइस में खरीद लिया। पिछले सीजन पाटीदार को विराट कोहली ने 4 मुकाबले खिलाए, जिसमें उन्होंने 31 के हाईएस्ट स्कोर के साथ कुल 71 रन बनाए थे, लेकिन साल 2022 की कहानी बिल्कुल अलग है। 2022 के 7 मुकाबलों में पाटीदार ने 156.25 की बेहतरीन स्ट्राइक रेट से 275 रन बना लिए। इस सीजन उन्होंने 1 शतक के साथ 1 अर्धशतक भी बनाया है, और अगर उनका बल्ला ऐसे ही चला तो हो सकता है इस बार पहली बार हम आरसीबी की टीम को उनका पहला आईपीएल टाइटल भी जीतते देख लें।
इसी तरह के और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल टैलेंट ऑफ स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। साथ ही साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम तमाम जगह पर हम आपको स्टोरीज देते हैं, खबरें देते हैं, वीडियोस देते हैं, रील्स और स्टोरीज शेयर करते हैं। वहाँ भी आप हमारे चैनल को फॉलो और लाइक कर सकते हैं ताकि आपको इंस्टेंट अपडेट मिलता रहे। आईपीएल का पूरा कवरेज लल्लन टॉप पर जारी है। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।